यू यू थैंक थैंक देखिए आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे वर्ल्ड में आ, इंडिया की जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम जो हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कितना टैलेंट है और जो टैलेंट है जो लोग हैं वो किस किस तरह की इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं इंटीरियर्स में जाना उन लोगों को क्या बोलते हैं शो तक लेकर आना आई थिंक हिस्ट्री टी वी एटीन की जो टीम है दे आर डूइंग अ फैंटेस्टिक जॉब और मैं भी बहुत ही फैंटेस्टिक जॉब कर रहा हूं अगर आप देख रहे हैं तो इस साल का अगर आप प्रोमो देखें तो वो प्रोमो पिछले कई सीज़न से मुझे लगता हाँ। है कि इस बार का बहुत अच्छा प्रोमो है सब लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं uh, जब प्रोमो आया तो सब लोगों ने इस बार शेयर भी किया है और इसीलिए नहीं शेयर किया क्योंकि वो मेरे कलीग हैं या मेरे दोस्त हैं उन्होंने इसीलिए शेयर किया जैसे कपिल ने आ, प्रोमो शेयर किया था कपिल ने मुझे बोला भी कि कितना बढ़िया प्रोमो बनाया तो एक्चुअली सब लोगों को पसंद बहुत आया दैट इज़ वन ऑफ़ द रीज़न्स के हमारे जितने दोस्त हैं जैसे तुषार कपूर हैं इन्होंने सब लोगों ने ट्वीट किया है शेयर किया है एनी uh, वे anyway, uh, सब ने शेयर किया उन सबको थैंक यू बट उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि uh, कुछ शोज़ जो होते हैं होते हैं वो लोगों के दिलों तक चले जाते हैं तो आई थिंक ये ओ एम जी मेरा इंडिया लोगों के दिल को छूने वाला शो है जो छू चुका है तभी उसका आठवा सीज़न आया है वरना आजकल तो एक सीज़न के बाद तो मानसून नहीं आ रहा है ढंग से है ना विंटर ढंग से नहीं आ रहा है सीज़न तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ हिस्ट्री टी वी एटीन जो इतने कोविड के जितने हर स्टेट का एक अलग प्रोटोकॉल है आप ये नहीं कर सकते बीस लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते यूनिट इतना नहीं बबल में शूट करना पड़ता है उसके बाद ये जिन लोगों के साथ शूट करते हैं वो एक्टर्स नहीं है आर्टिस्ट नहीं है मतलब कुछ आधा आर्टिस्ट होंगे लेकिन आ, आ, एक आम जनता है तो उनके साथ जाना उनके साथ शूट करना आई थिंक इट्स बिग डील तो हिस्ट्री टी वी ने बहुत कमाल का काम किया

जो बंदे की जो इनोवेशन है सबसे पहले तो ऐसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ये भी किया है वो भी किया है लेकिन आ, उसके ऊपर रिसर्च करना फिर उसको अप्रूवल उसका लेना फिर वो गवर्नमेंट अप्रूव भी होना चाहिए वो भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये जिन जिन लोकेशंस पे हम शूट करते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी परमिशंस लेना मतलब मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पर लोग नहीं जा सकते नहीं। जैसे आप कैंट आर्मी कैंट में नहीं जा सकते नहीं। आ, इंडिया गेट में सिर्फ एक जगह है वहाँ तक ही जा सकते हैं उसके नहीं। अंदर नहीं जा सकते तो ऐसी ऐसी कितनी लोकेशन्स है जहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल लेके ही जाना पड़ता है तो ये आई थिंक बड़े लेवल के ऊपर जो है इसकी जो है ब, 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 जो स्टोरीज़ हैं और जो जगहें हैं वो फ़ाइनलाइज होती हैं तो चैनल अपने बिग लेवल पे करता है और हिस्ट्री ने जो है अपनी रिस्पेक्ट को मेनटेन uh, रखा हुआ है और डेफिनेटली हिस्ट्री टीवी 18 है तो वो बहुत चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं और हम सबसे बड़ी बात है कि हम इंडिया को शोकेस कर रहे हैं तो uh, हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत जगह है इतने सारे लोग तो हैं ही और इतने सारे लोगों का टैलेंट बहुत कमाल का है और इंटीरियर्स में देखिए मेन चीज़ क्या होती है बड़े सारे शोज़ टी पे आते हैं जहाँ पर इस तरीके के टैलेंट भी आते हैं लेकिन फिर उनके साथ उनको रुलाना उनका आ, हम जो टीआरपी लेते हैं वैसे हम ही लोग करते हैं मैंने भी ऐसे कई शो होस्ट किए हैं तो यहाँ पर जो है ना उनका रियल टैलेंट दिखा हम ये नहीं दिखाते कि वो कितने गरीब हैं या कितनी उनको तकलीफ है यू you नो know, हम ये दिखा रहे हैं कि इंस्पिरेशनल जो कहानियाँ होती हैं कि गरीबी होने के बावजूद तकलीफ़ होने के बावजूद उस बंदे ने अपनी सक्सेस को कैसे अचीव किया है कैसे उसने अपनी इनोवेशन या जो भी चीज़ बनाई है या जो भी वो क्राफ्ट करते हैं उसको किस तरीके से मेहनत करके वो इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि आज वो टेलीविजन पे आ रहे हैं और इतने बड़े शो में आ रहे हैं जिसका नाम है ओ एम जी ए मेरा इंडिया तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है टफ है बहुत होता है। तो, लोकेशन इस बार डेली इस इस तो तो में कई सा... कौन सी फेवरेट रही है मेरी फेवरेट लोकेशंस रही हैं मैं खास जब कोची गया था जिनके साथ शूट करने इससे पिछले के पिछले सीजन में वो मेरा मुझे बहुत मज़ा आया फिर मैं दार्जिलिंग गया था फिर वहाँ हमने चाय के बगानों में शूट किया इतना खूबसूरत था मैंने पहली बार देखा ये जो आप नया सीजन देखेंगे इसमें आपको इतनी ओ एम जी मतलब ओ माई गॉड शॉक वैल्यू है शॉक वैल्यू के साथ साथ वो सरप्राइज़ एलिमेंट है वो क्या बोलते हैं वो एक्साइटमेंट आपको रहती है कि यार इस बार क्या होने वाला है ये जो नया सीजन आ रहा है इसमें आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलेंगी कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसे भी चीज़ ऐसी भी चीज़ पॉसिबल है आपको ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियाँ मिलेंगी फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आ, मुझे नहीं पता था इंडिया में रह के कि हमारे हिंदुस्तान में एक एलिफेंट हॉस्पिटल है यस yes, एक बंदे हैं जिन्होंने एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया है और एलिफेंट्स हैं वहाँ पे कई सारे जिनका वो ख्याल रखते हैं उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था मतलब मैं उनसे मिला था कल फेसबुक लाइव पे अविनाश कौल जी और मैं हम साथ में थे आ, कल हिस्ट्री टी वी के फेसबुक पेज पर पे। तो उनको हमने जूम कॉल पे लिया और उन्होंने बताया कि एलिफेंट्स जो हैं वो कैसे उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं हिंदुस्तान से बहुत ही कम कुछ हज़ार एलिफेंट्स जो हैं वो बचे हुए हैं तो उन्होंने एक एलिफेंट एलेफ, हॉस्पिटल खुला है जहाँ पर वो सारे एलिफेंट्स का ख्याल रखते हैं और एलिफेंट्स के लिए जकूजी बना हुआ है वो कैसे नहाते हैं कैसे उनकी दवाइयाँ जाती हैं और कैसे उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है आई थिंक इट्स कमेंडेबल किसी ने सोचा नहीं था एटलीस्ट इससे इंस्पिरेशन लेके एलिफेंट हॉस्पिटल से हम अपने पेट्स कैट्स एंड डॉग्स का तो ख्याल रख सकते हैं जब एक बंदा इतने बड़े एलिफेंट्स का ख्याल रख रहा है तो हम डॉग्स एंड कैट्स के लिए क्यों नहीं कर सकते आज पेट पेट्स के लिए कितनी सारी छोटी छोटी कॉलोनी में लोगों ने पेट स्टोर खोले हुए हैं ये कैसे हुआ है ये इंस्पिरेशन से होता है ये एक लव होता है एनिमल्स के प्रति तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये हमारी बहुत कमाल की स्टोरी है आप देखेंगे एलिफेंट हॉस्पिटल की और एक बंदे हैं जिनका नाम है आदिल तेली इन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आठ दिन साइकिल चलाइए तीन हज़ार छः सौ किलोमीटर आप देखिए हाँ इम्पॉसिबल मतलब ऐसी आपको कई जो है कई सारी कहानियाँ जो है इंस्पिरेशनल कहानियाँ देखने को मिलेंगी और जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं जो लोगों को अपनी लाइफ में ये होता है कि अरे यार हम कैसे करें आप हमारी स्टोरीज़ देखिए आप इंस्पायर होंगे आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी अरे यार ये बंदा कर सकता है जो हैंडी है जो हैंडी है लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है और वो बंदे ने कुछ कमाल करके दिखाया और वो हमारे इंडिया से है तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आर कंट्री दैट हमारे पास क्या क्या टैलेंट है हमारी कंट्री में मैं इंस्पायर होता हूँ मुझे बम्स आ जाते हैं मुझे ऐसा लगता है यार कभी कभी भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है तो हम क्यों ना हम क्यों ना करें हम क्यों ना कुछ करें अपनी कंट्री के लिए हम क्यों ना करें कुछ एक्चुअली हम तो डॉक्टर्स ही एक तरफ से देखा जाता हूँ एंटरटेनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं ओएम जी के अलावा और भी कई और और भी क्या कपिल शर्मा शो बोलने की अब बोलना ही पड़ेगा मतलब दुनिया जानती है सब वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑन इंडियन टेलीविजन वो हम करते हैं हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को हमने ये जो कोविड सिचुएशन है दो तीन साल में उसमें लोगों को हंसाया है लोगों को एटलीस्ट वो खुशी दी है यहाँ पर लोग आते हैं ऑडियंस में बैठते हैं जो आपने देखा होगा बोलते हैं कि कपिल को थैंक्स करते हैं कि थैंक यू वेरी वेरी मच और जब मुझे मुलाकात करते हैं लोग हमें हाथ जोड़ के थैंक्स करते हैं कि आपने हम आपकी वजह से हमारे वो चार छः महीने निकल गए घर में बैठे बैठे और सैल्यूट टू द होल टीम ऑफ द कपिल शर्मा शो ऑल्सो uh, क्या बोलते हैं विदाउट ऑडियंस हम लोगों ने शूट किया है और अगर आप देखें तो विदाउट ऑडियंस भी जो गेस्ट आते थे वहाँ संस के पागल हो जाते थे हम हमारा जो क्रिएटिव है जो मेहनत है तो आई थिंक वी आर ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब

कि इस बार भी हम लोग एक पावर पैक्ड सीजन लेकर आए हैं आप लोगों को इस बार की भी स्टोरीज़ जो हैं कमाल की स्टोरीज़ मिलेंगी फ़नी स्टोरीज़ मिलेंगी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी और ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी जो आपके जज्बे को ना क्या बोलते हैं अंदर से स्ट्रांग रखें और देखें कि कोविड सिचुएशन में भी इंडिया जो है वो हारा नहीं है लोगों ने अपने काम बंद नहीं किए हैं घर बैठे अपने काम किए हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम हम कहते हैं लोगों ने अपनी आर्ट को गिरने नहीं दिया है हिंदुस्तान की कई ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जो गायब हो रही थी उनको फिर से कुछ लोग हैं जो लेकर आए हैं जैसे कि कल मुझे एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट मिला ऑफिस में हिस्ट्री टीवी वी एटीन के एक फ़ैदर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया एक फ़ैदर आर्टिस्ट हैं जो फ़ैदर के ऊपर पेंटिंग करते हैं जिन्होंने अपनी फैदर पे पेंटिंग सचिन तेंदुलकर के लिए उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी एंड आई थिंक आई एम द लकी वन उसके बाद उन्होंने मेरे लिए मेरे नाम से मुझे कुछ बना के दिया है एक बहुत बड़े फ़ैदर पे आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट ये आर्ट हम देखते थे इंडिया में शुरू शुरू में बचपन में देखा करता था जब ये इंटीरियर्स में बहुत बड़ी फेमस थी उसके बाद ये आर्ट धीरे धीरे ऐसे कुछ आर्ट्स हैं जो गायब होने लगी हैं लेकिन ये जो आर्टिस्ट हैं ये ऐसी आर्ट फॉर्म को वापस लेकर आ रहे हैं आई थिंक इट्स वंडरफुल ऐसी आर्ट फॉर्म्स ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको ओ एम जी मेरे इंडिया में आठवें सीजन में देखने मिलेंगी जरूर देखिएगा 24 जैन से हिस्ट्री टीवी 18 पर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू फर्स्ट क्लास ना और क्या चाहिए ना